हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। जो हमारा न्यूमेरिकल दोस्तों बेस्ड है वह सोम से रिलेटेड है। सोम, आइए देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। जो न्यूमेरिकल टॉपिक हमारा रहेगा वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का है। किससे? स्ट्रेस से है और किससे? स्ट्रेन से है। ओके, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। ओके, कह रहा है कि ए वेट डब्ल्यू 5 kN अटैच टू द एंड ऑफ स्टील वायर रॉप मूव डाउनवर्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 1 m/s². कह रहा है कि एक स्टील वायर है, जो स्टील वायर में क्या है 5 kN का वेट लगा हुआ है और जो वो डाउनवर्ड मूव कर रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, वह कितना है? 1 m/s है। ओके, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवेन हमारा क्या है, जो हमारा W दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है? 5 kN। ओके, अगर इसको न्यूटन में चेंज करें कितना हो जाएगा? 5000, क्योंकि 1000 होता है, इतना न्यूटन। और जो हमारा वेलोसिटी दिया हुआ है वह दिया है 1 m/s। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि वाट स्ट्रेस आर प्रोड्यूस इन रोप व्हेन इट्स अपर एंड इज सडनली स्ट्रिप्ड। कह रहा है कि स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा उस रोप में, उस रस्सी में, जब हमारा जो ऊपर का हिस्सा है सडनली स्ट्रिप हो जाए। ओके, तो उस कंडीशन में फाइंड क्या करना है, स्ट्रेस हमारा कितना प्रोड्यूस होगा। तो द फ्री लेंथ ऑफ रोप एट द मोमेंट ऑफ इंपैक्ट इज 20 m। जो उसकी फ्री लेंथ है, जो इंपैक्ट पड़ रहा है मोमेंट का, लेंथ हमारी कितनी दी हुई है, वो इंपैक्ट एच हमारा कितना दिया हुआ है? 20 m। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि इट्स नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इतना। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना उसका, पूरे रोप का, वह कितना दिया हुआ है? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एक को कितना दिया हुआ है? 10 cm². ओके, क्योंकि क्या दिया हुआ? सेंटीमीटर है हमारा, कितना? न्यूटन प्रति मीटर में। इसको चेंज कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁴ m². ओके, इसको हमने इतना लिख दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? 10⁻⁴, ये पॉजिटिव का साइन होता है, माइनस का 3 sin हो जाएगा। ओके, m². यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर कह रहा है कि जो हमारा ई दिया हुआ है, ई वो कितना दिया? 2 × 10⁵ N/m². तो देखते हैं इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। वेट दिया हुआ था, जो दिया हुआ था मैंने क्या किया, इसको कंसिडर कर दिया। अब तो अरे दोस्तों, ये जो E की वैल्यू दी है वो m² में है या m² में था, इसको जब हम चेंज करेंगे कितने मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में, कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻¹ हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, जो जो क्वेश्चन में गिवन था, और क्या कि अब इसमें सॉल्व क्या करना है, स्ट्रेस को सॉल्व करना है कि हमारा स्ट्रेस हमारा कितना निकलेगा। तो पहले हम देखते हैं, जब हमारा ये कंडीशन थी, वेट था और W से आ रही थी, तो इनिशियल स्ट्रेस कितना था? इनिशियल स्ट्रेस। ओके, तो जो हमारा इनिशियल स्ट्रेस था वो कितना होता है? लोड अपॉन एरिया। लोड हमारा गिवन है 5000 और एरिया हमारा कितना निकाला? 10⁻³। अब ये 3 जाएगा, 3 × 3 = 6 हो जाएगा, यानी 5 × 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमें, यानी इनिशियल स्ट्रेस हमें फाइंड हो गया। उसके बाद में एक कंडीशन क्या हुआ था कि व्हाट स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए रोप व्हेन अपर एंड इज सडनली स्ट्रिप्ड। अगर अपर एंड हमारा स्ट्रिप्ड हो जा रहा है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस क्या होगा? ओके, उस कंडीशन में मैंने स्ट्रेस को मान लिया 2 है, σ2 है। तब देखते हैं, अब देखो जब इस कंडीशन में थी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमारा वो क्या हो रहा है, मूव कर रही है। एक स्ट्रेंथ क्या हो गया? फिक्स हो गया है। जब एक स्ट्रेंथ फिक्स हो गया है, ये बॉडी हमारी क्या सडन स्ट्रिप्ड हो रही है अचानक, तो इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जो काइनेटिक हमारा एनर्जी होगा वो क्या होगा? जैसे हमारा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा उस रोप का, वो क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी में वेट के कारण क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी? स्टोर रहेगी उसमें एनर्जी, स्टोर। ओके,
तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv², m की जगह हम क्या है w/g लिख सकते हैं, w/g × v², और स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, σ² / 2E × वॉल्यूम। ओके अब देखो, अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दी है वो लिख दिया, ये हमारा कितना दिया है 5000, जी की वैल्यू 9.81 होती है और वी की हमारा एक दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब 2E की वैल्यू 2 × 10^11 होती है, और अब आता है वी की बात, वी हमारा क्या वॉल्यूम है, वी इक्वल टू वॉल्यूम है यानी A × H, एरिया × H। अब एरिया में ऑलरेडी फाइंड हमने किया है 10^-3, 10^-3, एच हमारा कितना है 20, यानी ये हो गया 20। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, अब आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। यहां से हमारा जो सिग्मा निकलेगा, सिग्मा की वैल्यू हमारी निकलेगी, वह निकलेगी 7139 2156 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके अगर इसको किलो में चेंज करना है तो 7139 2.156 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा इसका फाइनल आंसर फाइंड हो जाएगा। आपको पॉइंट ये रखना है, याद रखना है कि जो हमारी बॉडी क्या है, अचानक क्या हो जा रही है, रोप इंड सडनली स्ट्रिप हो जा रही है, स्ट्रिप कर दिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, वो स्ट्रेन एनर्जी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब इक्वल हो जाएगी तो हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारा फाइंड हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपकी रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मैकेनिकल से रिलेटेड या सिविल से रिलेटेड, न्यूमेरिकल हो या थ्योरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।